तो स्वस्थ रहने के लिए मैं आपको कुछ सुझाव दे रहा हूँ, कुछ टिप्स दे रहा हूँ। मेरा विश्वास है कि यदि आज का युवा वर्ग है और जो लोग 40-45 साल के ऊपर भी हैं, यदि मेरे द्वारा जो जानकारी आपको साझा की जा रही है, शेयर की जा रही है, उसका 10 या 20% भी अपनी जिंदगी में वास्तविक रूप से उसका पालन करेंगे तो वाकई वे स्वस्थ बने रहेंगे। सर्वप्रथम हम ये देखें कि हमारी बॉडी जो है वो भी एक मशीन होती है। जैसे आप कोई भी महंगी मशीन खरीद के लाते हैं, कोई भी मशीन हो, चाहे कार हो, चाहे कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल फोन हो, या फिर हमारा एयर कंडीशन हो, हम उसका एक एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कंपनी के साथ या सर्विस स्टेशन के साथ, जिसमें हम एक तयशुदा राशि उन लोगों को देते हैं। उसके एवज में वो लोग साल में हमारे जितने भी बहुमूल्य उपकरण है इनमें कोई भी टूट फूट होती है तो वो उसके एवज में उसको सुधार के हमें वापस देते हैं। इसी प्रकार हम भी अपने शरीर को, एक सारा युवा वर्ग और सारे लोग, हम भी अपने शरीर को एक मशीन समझे और हमें मान के चले कि इसमें भी कोई टूट फूट होती है तो इसके लिए भी हमें एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाहिए। अब हम अपने शरीर का एमसी किससे करवा सकते हैं, इसके लिए हम जहाँ पे भी सुविधा उपलब्ध है, कार्बेट हॉस्पिटल है, बहुत सी जगह जनरल बॉडी चेकअप की सुविधा उपलब्ध होती है। तो सारे लोगों को चाहिए कि जो लोग 20 से 40 साल के बीच में हैं उनको साल में एक बार, और जो लोग 40 साल से ऊपर के हैं उनको साल में दो बार अपने शरीर का एक जनरल बॉडी चेकअप करवा लेना चाहिए। क्योंकि बाहर से देखने में तो सब एक से लगते हैं, लेकिन किसके शरीर में अंदर कौन सी बीमारियां हो रही हैं यह बात किसी को मालूम नहीं रहती। तो ये बात जानने के लिए सबको अपने साल में एक बार, और बड़ा जो 45 साल से ऊपर लोग हैं उनको साल में दो बार अपने शरीर का जनरल बॉडी चेकअप कराना चाहिए। कोई भी बीमारी घंटी बजा के नहीं आती, इसके पहले घंटी बजे आपको सचेत हो जाना चाहिए। तो सारे लोगों को अपना जनरल बॉडी चेकअप में ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, ब्लड प्रेशर शुगर की जाँच कराना चाहिए, इसके अलावा आँख कान और इसकी दांतों की जांच एक बार करा लेना चाहिए। उसके बाद अपना जो है थायराइड फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, इनकी जांच करा लेना चाहिए। एक बार ईसीजी की जांच करा लेना चाहिए कि आपका हार्ट की तरह काम कर रहा है कि नहीं। इसके अलावा किडनी फंक्शन टेस्ट करा के ये पता कर लेना चाहिए कि हमारे शरीर की किडनी जो है वो नॉर्मल स्थिति में आई या नहीं। इसके अलावा जो बचे हुए टेस्ट होते हैं, सोनोग्राफी होती है और एक एक्सरे टेस्ट होता है। इतने कम से कम टेस्ट 40 साल के नीचे वालों को साल में एक बार और 40 साल से ऊपर वालों को साल में दो बार अवश्य करा लेना चाहिए। इसके अलावा जो महिलाएं होती हैं उनमें कैंसर की समस्या बहुत ज्यादा होती है तो उन्हें पैप स्मेयर टेस्ट भी एक बार अवश्य करवा लेना चाहिए, उससे पता चलता है कि कैंसर की कहीं शुरुआत नहीं हो रही। इसके अलावा मैं आपको कुछ टिप्स और दे रहा हूँ जो आप, मतलब मुझे विश्वास है कि यदि सोने का पालन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। कम से कम सबको 7 से 8 घंटे की नींद लेना चाहिए। जो लोग रात में देर रात तक जागते हैं वो जिंदगी में बहुत कुछ खो देते हैं, क्योंकि क्या होता है जो लोग रात तक जागते हैं वो बिना किसी कारण के जागते हैं, जबरदस्ती फेसबुक लैपटॉप करते हैं, कंप्यूटर पे गेम देखते हैं, पॉर्न मूवीज देखते हैं, या फिर पार्टियां अरेंज करते हैं, सिगरेट शराब पीते हैं, रेव पार्टी करते हैं, फालतू में अपना समय बर्बाद करते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा शरीर में बढ़ती है, नकारात्मक स्वास्थ्य सोच आती है और इनके कारण फालतू की चीजें, नकारात्मक चीजें वो बढ़ती है। उसकी जगह जो लोग सुबह 5 बजे से उठ के घूमने जाते हैं उनका एक चेहरे पर निखार लगाता है, उनकी बॉडी फिट रहती है, सुबह ताजी हवा चलती है, पक्षी लोग चहल पहन के होते रहती, कोलाहल होते रहता है, ताजी ताजी हवा जो होती है आपके ब्रेन में जाती है, आप स्वस्थ रहते हैं, चमड़ी में आपके बहुत ज्यादा सुंदरता और निखार आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे के सारे लोग 5 से 7 बजे तक घूमने जाए तो जिंदगी में बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो लोग 7 बजे तक सोते रहते हैं या सोने के उठ जाते हैं लेकिन कंप्यूटर लैपटॉप करते रहते हैं फिर जिंदगी में बहुत कुछ खो देते हैं, क्योंकि ये चीजें तो आपको दोबारा फिर मिल जाएगी पर एक आपकी सुबह चली गई तो दोबारा लौट के आने वाली नहीं है। इसलिए रात में जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, खाना जो है वो कंप्लीट खाना जो है शाम का 7 बजे के पहले खा लेना चाहिए, और उसके अलावा खाना कम कम और बार बार खाना चाहिए। जैसे जो खाना आप जितना भी खाते हैं दो बार में खाते हैं उसकी जगह आप कम कम उसको बार बार खाइए, 4 बार खाइए। खाना आपको जितनी भूख लगती है, जैसे आपको 4 रोटी की भूख है तो उसका 80% ही खाइए, मतलब 2 से 2.5 रोटी खाइए उसके बाद छोड़ दीजिए, क्योंकि 2.5 रोटी खाने के बाद थोड़ी देर बाद ब्रेन में मैसेज जाएगा और आपको फिर ऐसा लगेगा कि आपका पेट भर चुका है और वो आप ओबेसिटी का शिकार होने से बच जाएंगे। पानी हमें बहुत ज्यादा पीना चाहिए, कम से कम 1 घंटे में 1 गिलास पानी पीना चाहिए या 24 घंटे में 24 गिलास पानी कम से कम पीना चाहिए। पानी जो है हमें हमेशा बैठ के पीना चाहिए, सुबह सोके उठने के बाद कम से कम 4 गिलास पानी हमें पीना चाहिए।
उसके अलावा जो चीजें स्वाद में अच्छी होती है, जैसे जीभ होती है वो बहुत चटोरी चीजें पसंद करती है, पर जो चीजें स्वाद में बहुत अच्छी होती है जैसे जितने भी फास्ट फूड है, जंक फूड है, बर्गर, पिज्जा, चॉकलेट, आइसक्रीम, जितनी भी ये चीजें होती है, नूडल, ये स्वाद में तो अच्छी होती है पर आपकी सेहत के लिए बहुत खराब होती है। ये ओबेसिटी का शिकार कराने पर मजबूर कर देती है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज को बढ़ाती है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, लिपिड प्रोफाइल बहुत ज्यादा इनसे गड़बड़ा जाते हैं। तो जो चीजें स्वाद में अच्छी होती है उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, और जो चीजें स्वाद में बेस्वाद होती है जैसे आपका टमाटर, गाजर, ककड़ी, पालक, सब्जियां, करेला, ये चीजें स्वाद में बहुत ज्यादा खराब होते हैं और ये सेहत के लिए सबसे ज्यादा अच्छी होती है। मीठा जो होता है वो शरीर का दुश्मन होता है, जीभ में कुछ ऐसे वो होते हैं, वो अपना एंजाइम होते हैं, बहुत सी चीजें जीभ में ऐसी होती हैं, आप जो जीभ में जो आप जैसे शुगर खाते हैं तो वो आपको और खाने के लिए मजबूर करते हैं, एक रसगुल्ला खाएंगे तो ऐसा लगेगा और खा ले, तो मीठा हमारे शरीर का दुश्मन होता है, मीठा हमें कम से कम खाना चाहिए। इसके अलावा जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो एक मुट्ठी में जितने भी ड्राई फ्रूट्स आते हैं, काजू, किशमिश, पिस्ता, एक मुट्ठी काजू, किशमिश, पिस्ता खाना चाहिए। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छा होता है जो ब्लड प्रेशर, शुगर को नियंत्रित करता है और वजन ना बढ़े इसके लिए भी मदद करता है। इसके अलावा 2 चम्मच पीसी हुई अलसी, अलसी रोज सुबह हमें पानी में पीस बनाकर उसको खा लेना चाहिए, और काली तेल भी ऐसी रात में भिगो के सुबह ये भी खा ले, काली तेल तो हमारे जोड़ों में दर्द नहीं होना देती, ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा जो मिर्च होती है, हरी मिर्च होती है, प्याज होती है, लौंग होती है, ये हमें बहुत ज्यादा खाना चाहिए क्योंकि ये एंटी ऑक्सीडेंट्स का काम करती है।